अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी विद एहसान का चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होने वाला है क्या रिप्रोडक्शन। क्या टॉपिक है हमारे पास आज? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं वो आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो रिप्रोडक्शन से पहले हमने देखो ग्रोथ किया था। ग्रोथ में हमने कहा था कि ग्रोथ रिलेट करता है टाइम और नंबर के साथ। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन हमारे पास एक से दो बनना या बच्चे पैदा होना, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो आज हम समझने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ज्यादातर मतलब अमूमन जो सबसे ज्यादा होने वाला काम है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बैक्टीरिया के अंदर या जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीकों से बैक्टीरिया के अंदर हो सकती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इस बात को डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये वो वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जो इंसानों में होता है, ये अलग तरीके से, लेकिन इसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया है उसमें रिप्रोडक्शन होती है वो हमारे पास होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें मतलब कोई मिलना जुलना नहीं होता, एक ही बैक्टीरिया उसी के अंदर से दो और निकल आए, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक बैक्टीरिया है वो आधे से कट जाता है और उससे दो बन जाते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें कोई और बैक्टीरिया आके इन्वॉल्व नहीं होता, एक ही बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर सबसे फेमस है वो मैकेनिज्म है बाइनरी फिशन का। किसका है? बाइनरी फिशन का। इस चीज को आज हमने समझने जा रहे हैं, छोटा सा एक लेक्चर होगा, इतना लंबा भी नहीं है और ना कोई मुश्किल है। बाइनरी का मतलब क्या होगा? दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। फिशन का मतलब क्या होता है? फिशन होता है किसी चीज को बीच में काट देना, दैट इज फिशन। तो क्या होगा कि एक सेल जब बीच में कटेगा तो उससे दो सेल बनेंगे, उसे क्या बनेंगे? दो सेल बनेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन। एक सेल का स्प्लिट होके दो में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज अ बाइनरी फिशन। दो और फिशन मतलब कट जाना। तो बाइनरी फिशन एक सेल का स्प्लिट होके दो में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरिया में भी सेम ऐसा ही होता है, एक सेल होता है वो एक स्टेज पे पहुंच के उसके बाद दो में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा प्रोसेस, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो वो हमारे पास बाइनरी फिशन हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास बैक्टीरिया में बडिंग भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, उसका मैकेनिज्म अभी तक साइंटिस्ट को प्रॉपर पता नहीं है। यीस्ट में बडिंग होती है लेकिन वो एक और मैकेनिज्म से होती है। प्रोकैरियोट्स में ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं हो तो उसमें बडिंग अगर हो तो वो कैसे हो सकती है वो चीज अभी तक साइंटिस्ट को ज्यादातर पता नहीं है। लेकिन बडिंग में क्या होता है कि बडिंग में ये सेल है ना, इसी से थोड़ा सा मतलब एक बड सा बाहर निकल आता है और उसमें डीएनए आ जाएगा और ये फिर अलग हो जाएगा, पुराने वाला अलग हो जाएगा और जो नया बड है वो अलग हो जाएगा। वैसे तो वो बड़े है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे पास बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में काम होता है रिप्रोडक्शन के लिए वो है बाइनरी फिशन। तो आज हमने समझना है बाइनरी फिशन को। बाइनरी फिशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो बाइनरी फिशन को समझना है। बाइनरी फिशन में कुछ स्टेप्स है, ठीक है, तीन, इसको तुम तीन में डिवाइड करो, पांच में डिवाइड करो, चार में डिवाइड करो, तुम लोगों की अपनी मर्जी है। लेकिन जो मैकेनिज्म अगर वो पता हो तो फिर स्टेप्स जो है वो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सबसे पहले मैं एक सेल कंसीडर करता हूँ बैक्टीरिया का। किसका कंसीडर करता हूँ? बैक्टीरिया का। अब ये बैक्टीरिया का सेल है, इसके बाहर सेल वॉल है, इसके बाहर क्या है? सेल वॉल है। और अंदर हमारे पास एक डीएनए पड़ा हुआ है। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? एक डीएनए पड़ा हुआ है। एक बैक्टीरिया का सेल है जो कि अभी डिवाइड होने के लिए तैयार है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा याद रखना? पहला स्टेप हमारे पास होगा डीएनए की रेप्लिकेशन। पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे बाइनरी फिशन में? डीएनए की रेप्लिकेशन। मतलब ये डीएनए है, ये जो हमारे पास एक ही डीएनए है, ये पहले सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये इस फॉर्म में नहीं आता बल्कि सर्कुलर हो जाता है। बास के अंदर तो होता है सर्कुलर है, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज होकर सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। ऐसे किसमें आ जाएगा? सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। सर्कुलर फॉर्म में आने के बाद ये करेगा डिवाइड। जब ये डिवाइड करेगा ये क्या हो जाएगा? ऐसे डिवाइड होके दो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो दो होने के बाद पहला काम क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में वही एंजाइम यूज हुए हैं, पॉलीमरेज एंजाइम यूज हुआ। डीएनए जो है वो बैक्टीरिया का एक से दो हो गए। बैक्टीरिया का क्या हो गया? एक से। सबसे पहले क्या हुआ? डीएनए ने रेप्लिकेट किया। पहले स्टेप में हमारे पास बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर गया। रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो डीएनए है, ये एक डीएनए हमारे पास इधर आना शुरू हो जाएगा, एक डीएनए इधर आना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग ऑपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देंगे या अलग अलग एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। तो ये एक डीएनए इधर आना शुरू कर देगा, दूसरा डीएनए
उधर जाना शुरू कर देगा। ये बात भी समझ आ गई? मतलब इसको मैं थोड़ा सा अब ऐसे बना लेता हूँ कि ये जो एक डीएनए है वो इधर आना शुरू हो गया, ऐसे दूसरा डीएनए उधर जाना शुरू हो गया, दो डीएनए एक उधर चला गया एक इधर चला गया, बीच में एक वाल सी बन गई, ठीक है, दीवार सी बनेगी। अब कैसे बनेगी? हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, अब ये देखो सेल जो है वो एक्सटेंड कर गया, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके अंदर जो डीएनए है बैक्टीरिया का वो भी डुप्लीकेट कर गया, एक एक कोने पे चला गया, दूसरा दूसरे कोने पे चला गया। लेकिन याद रखना यहाँ पे कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुई, कोई स्पिंडल नहीं बने स्पिंडल फाइबर्स, तो यहाँ पे ये डीएनए उधर चला गया, बीच में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि दायरे की सूरत में जमा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बीच में कुछ प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स को बोलते हैं एफटीएसजी प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स है? एफटीएसजी प्रोटीन्स। वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं सर्कल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सर्कल के फॉर्म में, मतलब ये ऐसे सर्कल के फॉर्म में जमा हो जाएंगे। अब ये डीएनए इधर आ रहा है, वो डीएनए उधर जा रहा है, बीच में कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको एफटीएसजी प्रोटीन्स बोलते हैं, वो बीच में सर्कल के फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये जमा होंगे उसके बाद ये जो प्रोटीन्स है ये साइटोप्लाज्म को अंदर से खींचना शुरू कर देंगे। क्या मतलब? ये साइटोप्लाज्म को यहाँ से भी खींचेंगे और यहाँ से ऐसे इसको खींचना शुरू कर देंगे। जब ये ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास वो जो साइटोप्लाज्म है वो पिंच होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि इस एफटीएसजी की जो एफटीएसजी है उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही है ना। मतलब यहाँ पे एफटीएसजी प्रोटीन जो है वो लगे हुए, उसको दोनों तरफ से खींच रहे, ऊपर वाले को इस तरफ खींच रहे, नीचे वाले को ऊपर खींच रहे, मतलब एक इस तरफ से पकड़े दूसरे को इस तरफ से पकड़े, दोनों को आपस में खींच रहा, दोनों साइडों को आपस में क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो उस खींचने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो इनवर्ट इनवेजिनेशन इसको बोलते हैं, मतलब ये अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ऐसे ये इनवर्ट जाना शुरू हो जाएगा। तो जब ये इनवर्ट जाएगा अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसी के साथ ये ऊपर क्या है, सेल वॉल है, और ये भी ऊपर क्या है, सेल वॉल है। जब ये अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो सेल वॉल है वो नया सेल वॉल दोनों साइड बनना साथ साथ शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और इसको खींचता चला जाता है खींचता चला जाता है। यहाँ पे डीएनए उसका अपना आया हुआ था, यहाँ पे डीएनए उसका अपना आया हुआ था, अपना डीएनए आने के बाद ये अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म का जाना वो जाता जाएगा, वो उसको खींचता जाएगा यहाँ तक के वो पिंच हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, ये इसको खींच के अलग कर देगा। तो इस अलग होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकिनेसिस। तीसरा स्टेप क्या होगा, साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना। साइटोकिनेसिस क्या होगा, हमारे पास साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो जाएगा डिवाइड। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये पिंच हो गया, उसके बाद इस मिटा देता हूँ। अब क्या होगा, जब साइटोकिनेसिस हो जाएगी तो ये वाला सेल अलग हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और उसकी गिर्द सेल वॉल आ जाएगी, और ये वाला दूसरा जो सेल है वो अलग हो जाएगा, उसकी गिर्द भी सेल वॉल आ जाएगी, उसके अंदर एक डीएनए भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एक जो सेल था वो हमारे पास साइटोकिनेसिस के बाद अलग अलग चला जाएगा, मतलब ये एक सेल और ये दूसरा सेल, तो एक सेल से दो में कन्वर्ट होना, दैट इज बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। यहाँ पे दोबारा से एक नया सेल है, ये दोबारा से बड़ा होगा और दोबारा से हमारे पास नई जनरेशन करेगा, नहीं हमारे पास क्या करेगा, जनरेशन। तो वो टाइम जिसमें ये वाला सेल दोबारा से डिवाइड होगा दो में, मतलब ये वाला सेल दोबारा से दो में डिवाइड होगा, उस जनरेशन को बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं जनरेशन टाइम। उस टाइम को क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम, जिसमें एक न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया, मतलब ये अभी अभी बैक्टीरिया बना है ना, ये यहाँ से लेकर जब इससे आगे दो और बैक्टीरिया बनेंगे, मतलब ये खुद डिवाइड होके दो और बैक्टीरिया बनाएगा, उस टाइम को बोलते हैं जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम। क्या, या जनरेशन टाइम बोलते हैं या डबलिंग टाइम, मतलब ये पेरेंट है ये जो शुरू में लिया था उसने ये डाटर एक नई जनरेशन बना दी, एक नए डाटर सेल बना दिए, अब ये इसकी जनरेशन इसका टाइम स्टार्ट हो गया। यहां से लेकर जब इसके आगे और बच्चे होंगे, मतलब ये डिवाइड होकर दो मजीद में कन्वर्ट होगा, उस टाइम को क्या बोलेंगे, उस टाइम को बोलेंगे हम जनरेशन टाइम या फिर बैक्टीरिया के केस में डबलिंग टाइम, क्योंकि इसमें एक से दो ही बनेंगे, डबल होगा, तो उसमें हम कहेंगे ये डबलिंग टाइम है। ये हो गया, ये फिर डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ये टेम्परेचर पर भी जनरेशन टाइम डिपेंड करता है, रिसोर्सेज पर भी डिपेंड करता है कि न्यूट्रंस है कि नहीं है, ज्यादा है कम है, पीएच पे भी डिपेंड करता है, बाकी भी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, लाइट हो गया, इन सब पे डिपेंड करता है। अगर ये सारी चीजें उनको A1 अवेलेबल हो, मतलब उनको न्यूट्रंस की भी कमी ना हो, टेम्परेचर भी ठीक हो, पीएच भी ठीक हो, लाइट भी ठीक हो, ऑक्सीजन भी ठीक हो, सब कुछ A1 हो, जबरदस्त उनको मिल रहा हो, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से जो है वो 102 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर ग्रोथ में आ जाते हैं जो कि हम ग्रोथ के कर्व में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम।
वो श्रीका कुलाई के लिए 20 मिनट है। ये चीज याद रखो, जो ई कुलाई है उसका जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम जो है वो 20 मिनट है। इसकी वजह से जो श्रीका कुलाई वो लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एक तो सिंपल बैक्टीरिया, फिर ये जो इसकी जनरेशन बहुत जल्दी, मतलब 20 मिनट बाद ये 1 से 2 हो चुका होता है। अब बिल्कुल हम हाथी पे अगर एक्सपेरिमेंट करें तो उसको तो 25-30 साल लगेंगे अगला जनरेशन आने के लिए, या कम से कम 10-15 साल लगेंगे, तो इतना वेट कौन करेगा। यहाँ पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है श्रीका कुलाई। इसी तरीके से जो माइक्रो बैक्टीरिया, जो टीबी काजिंग बैक्टीरिया है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो 24 घंटे में तकरीबन डबल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 24 घंटों में डबल हो जाता है। और फिर इस तरह के जो हमने कल भी बताया था कि जो लेप्रोसी काजिंग बैक्टीरिया है, डिजीज काजिंग लेप्रोसी एक डिजीज है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो तकरीबन 14 से 15 दिनों में जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं, 1 से 2 बनते हैं। तो जनरेशन टाइम क्या है, जिसमें एक डॉटर सेल दोबारा तैयार हो जाए डिवाइड होने के लिए, उस टाइम इंटरवल को बोलेंगे हम जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम। तो ये थी हमारे पास बाइनरी फ्यूजन। अगर इसके थोड़े से फैक्ट्स देखें तो फैक्ट्स इसमें क्या होंगे, एक बात जो चीज तुम लोग जहन में रखो कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, क्या हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, खासतौर पर बाइनरी फ्यूजन, तो उसमें क्या है कि ये क्रोमोसोम था वही डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो गया था, वही रेप्लिकेट हो गया था। इसके साथ कोई नया क्रोमोसोम नहीं आया था, कोई नया न्यूक्लियोटाइड्स नहीं आए थे, कोई नए सीक्वेंसेस नहीं आए थे। जब इसके अंदर कुछ नया नहीं आया था तो इसके जो बच्चे बनेंगे वो एग्जैक्ट क्लोन होंगे, क्या होंगे, एग्जैक्ट क्लोन होंगे। तो वो डॉटर सेल जो कि बाइनरी फ्यूजन की वजह से बनते हैं, या वो वाले डॉटर सेल्स जो कि स्प्लिटिंग ऑफ द सेल्स की वजह से बनते हैं ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एग्जैक्ट क्लोन होंगे, मतलब उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल क्लोन्स बनेंगे बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह। जिस तरह का जेनेटिक्स पेरेंट्स का होगा वैसा ही जेनेटिक्स हमारे जेनेटिक्स जो है वो हमारे पास किस में होगा, उनके डॉटर सेल्स में होगी, या जो नए सेल्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई बाहर से कोई चीज नहीं है, इसको म्यूटेशन नहीं हुई। तो जिस तरह क्रोमोसोम या जिस तरह डीएनए हमारे पास पेरेंट बैक्टीरिया का था, वही रेप्लिकेट हुआ, वही डीएनए एक दोनों डॉटर सेल्स में चला गया। तो जो पेरेंट डीएनए होगा, जो पेरेंट सेल होगा और जो डॉटर सेल्स हैं, ये दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल क्लोन्स होंगे। क्या होंगे हमारे पास, आइडेंटिकल क्लोन्स होंगे। लेकिन अगर जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जैसे हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की, दूसरा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल जाता है, और उस मिलने की वजह से एक नया न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया आ जाता है, एक नई टाइप आ जाती है, एक नई टाइप ऑफ क्रोमोसोम आ जाती है। तो वहां पे जो पेरेंट का डीएनए है और जो डॉटर का डीएनए वो सेम नहीं होगा, वो जो डॉटर सेल्स होंगे वो यूनिक होंगे, वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो वहां पे फिर वेरिएशन आ सकती है, तो वहां पे आइडेंटिकल क्लोन्स नहीं बनते। मैं अपने भी केस में, हम ह्यूमन की केस में ले तो हमारे पास देखो फादर से भी एक गैमेट आता है और एक मदर से आता है, ऐसा ही है, मतलब एक क्रोमोसोम किधर से आता है, फादर से, इसको मैं लिख देता हूँ, एक क्रोमोसोम मदर से आता है। तो जो बच्चा होगा उसमें ये दोनों क्रोमोसोम्स अवेलेबल होंगे FM, ठीक है, उसमें क्या होंगे, ये दोनों क्रोमोसोम्स अवेलेबल होंगे, तो वो कुछ अब्बा की तरह होगा, कुछ अम्मा की तरह होगा, लेकिन एग्जैक्टली एक की तरह भी नहीं होगा, मतलब खुद भी ये यूनिक होगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फादर के साथ मिलेंगी, कुछ उसकी मदर के साथ मिलेंगी, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो कि ना फादर के साथ मिलेंगी ना मदर के साथ मिलेंगी, वो उसके साथ यूनिक होंगी। वो किस वजह से होती है, वो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है, इनमियोसिस, वो अलग से चैप्टर है। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे वो आइडेंटिकल क्लोन्स नहीं हो सकते अपने फादर्स के या अपने पेरेंट्स सेल के, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर पैदा होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, वो आइडेंटिकल क्लोन्स होंगे, किसके, किसके, पेरेंट्स सेल्स के क्लोन होंगे। तो ये बात यहाँ पे आकर हम अपना जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड हो जाता है, इसमें कोई और मजीद ऐसी बात नहीं है जो कि रह गई हो। हायर लेवल पे बात करते हैं तो ये जो हमारे पास पिंचिंग ऑफ साइटोप्लाज्म है या जो पूरा बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस है, ये प्रॉपरली कंट्रोल रहता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे भी डिपेंड करेगा, पीएच पे भी डिपेंड करेगा। तो ये सारे प्रोसेस क्या है ना कि ये डीएनए जो है उसने रेप्लिकेट कब करना है, उसके बाद इसने सेग्रीगेट कब करना है, ये प्रोसेस जिसमें एक डीएनए इधर चला जाता है और दूसरा डीएनए इधर चला जाता है, इसको साइंस की जुबान में बोलते हैं सेग्रीगेट। तो ये सेग्रीगेट कब करेगा, रेप्लिकेट कब करेगा, उसके पास जो सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन कब होगी, साइटोकिनेसिस कब होगी, एफटीएसजी जो प्रोटीन्स है वो कब रिंग के स्ट्रक्चर में, ये सारा प्रोसेस जो ये कंट्रोल्ड वे में है, इसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है, सेल उसको कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन वो हाइयर लेवल पे चले जाएंगे, अब आपके लोगों के लेवल पे ये बात बहुत है कि बाइनरी फ्यूजन कैसे होती है और इसका मतलब क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका क्या रोल है। तो होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर आ गई है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और चैनल के साथ कुछ भी करते हैं वो तुम लोगों की अपनी मर्जी, और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह।